जब एक एक बार में चारों युग अपनी उम्र के अनुसार बीत जाते हैं तब एक युग समाप्त होता है। ध्यान देना, क्या समाप्त होता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग अपनी अपनी उम्र के वर्ष के अनुसार एक बार जब अपनी उम्र बीत जाती है चारों युगों की, तब एक युग समाप्त होता है। और ये एक युग ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात कहलाता है। चारों युग बीत जाते हैं एक बार में तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात बीतता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 30 दिन बीतने पर मानी चारों युग अपनी उम्र के अनुसार 30 बार अपनी उम्र भोगने के बाद 30 दिन बीतने पर ब्रह्मा जी का एक महीना पूरा होता है। और इसी तरह ब्रह्मा के 12 महीने पूरे होने पर पुरुष इंसान के नहीं ब्रह्मा के 12 महीने पूरे होने पर ब्रह्मा जी का एक साल पूरा होता है, एक वर्ष पूरा होता है। इस तरह से इस गणित के अनुसार, इस चक्र के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब एक कल्प समाप्त होता है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाने पर एक कल्प समाप्त होता है। और जब कल्प समाप्त होता है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ध्यान देना, और जब सृष्टि का प्रलय होता है तो उस सृष्टि में कोई भी नहीं रहता। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चांद, चंद्रमा, सारे तीर्थ, वृक्ष, पेड़, पशु, पक्षी, देवलोक, ग्रहलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठलोक, शिवलोक, मृत्युलोक, पाताललोक, सबके सब नष्ट हो जाते हैं। प्रलय के समय में कोई देवी देवता नहीं रहता, कोई मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी प्रलय के समय में नहीं होता। अंधकार ही अंधकार हो जाता है, क्योंकि सूर्य नहीं, ना पृथ्वी रहती, ना आकाश होता, ना जल होता, ना हवा होती, ना अग्नि होता, ना पानी होता, ना देवी देवता होते, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन उस प्रलय की समाप्ति के समय में सब कुछ नष्ट होने पर भी एक चीज नहीं होगा। सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, महाप्रलय काले च नष्ट स्थावर जंगमे आशीतमोमयम सर्वम न अर्क ग्रह तारकम ए चंद्रम न अहोरात्रम न अगन्नी अनिल भूजलम ए प्रधानम यछुन्नम अन्न तेजो विविरजितम। सब कुछ नष्ट हो जाता है और पूरी त्रिलोकी में केवल अंधकार ही अंधकार होता है। लेकिन ध्यान रखना, उस अंधकार प्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी वो जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में
अर्जुन को भी भगवान कृष्ण कहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्जुन, एक कल्प बीत जाने पर जब महाप्रलय काल आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन उस काल में मैं तो कभी नष्ट नहीं होता, मेरा कोई स्वरूप नहीं होता, ना हाथ होते ना मुख होते हैं, ना आंख होती है ना सिर होता है, ना पांव होता है ना जीभ होती है, लेकिन मैं परमात्मा बिना हाथों के भी प्रलय के समय खुद फिर सृष्टि की रचना करता हूं। बिनु पग चलही सुनही बिनु काना कर बिनु कर्म करही विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा गए ग्रहण बिनु वास अशेष। मैं बिना पांव के भी चलता हूं, बिना हाथों के भी सब कर्म करता हूं, बिना आंखों के सब देखता हूं, बिना जिप के बोलता हूं, बिना नाक के सुगंधी लेता हूं। और जब प्रलय हो जाती है, एक कल्प बीत जाता है, तब फिर मैं सृष्टि की दोबारा से रचना प्रारंभ करता हूं।